हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। पढ़ाई भी आपकी सही चल रही होगी। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जैसा कि ड्राइनेस फ्रैक्शन हमने देखा, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन से आपके क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको ये लाइव एग्जाम्पल दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में जो ड्राइनेस फ्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली हम लोग उस क्वेश्चंस को लेके बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूरे आपके एसएससी जेई के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इवन आईएएस के भी एग्जाम्स में अगर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पीएसयू में भी पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो वहां से उठा पटक करके जैसे भी क्वेश्चन देगा आपको, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपका पहला चीज़ तो है कि जो बेस्ड है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। तो अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सबसे पहला अगर आप मुझे आप मेरा पहले का वीडियो देख लेंगे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन से रिलेटेड जो मैंने बात किया हुआ है, अगर वो चीज़ आपको क्लियर है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं रुकेंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस मैंने वहीं पर आपके पूरे क्लियर कर दिए थे। लेकिन जस्ट एक बार क्या है, आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को ये सब चीज़ें देखना जरूरी है कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप देखिए, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहला चीज ये आपको बोला हुआ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सीम। ये देखिए 2018 के अलावा ये 2007 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में अगर आपके देखिए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेपर्स अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो हर साल जो पेपर होते हैं, किसी साल 8 है, किसी साल 12 पेपर हो रहे हैं। तो ये जो 8 पेपर और 12 पेपर वाला जो आंकड़ा आपको दिख रहा है, इसमें करीब करीब आपको 3 से 4 पेपर में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके हर पेपर में आ रहे हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन क्या है, उसी को वर्डिंग चेंज कर करके पूछ देता है। जैसे देखिए यहाँ पे, ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। तो अगर आप ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करें, तो फिर से हम लोग एक बार डायग्राम की ओर तरफ चलते हैं। देखिए डायग्राम में आपको क्या बोल रहा है, ये आपका टीएस डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास टीएस डायग्राम है। अगर आपको डिफाइन याद हो, तो हमारा जो वेट रीजन है वो कहाँ पर है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ पर डिफाइन होता था, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा जो डिफाइन होता था वो वेट रीजन पर डिफाइन होता था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन बनाया। ये आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है। इस पे अगर हम लोग बात करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को लेके, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ डिफाइन हो रहा था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, अब पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम पे आएंगे। देखिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज डिफाइन एज, क्या होगा, मास ऑफ पेपर टू द मास ऑफ पेपर प्लस मास ऑफ फ्लूड, या मास ऑफ फ्लूड डिवाइड बाई मास ऑफ फ्लूड टू द प्लस मास ऑफ पेपर, मतलब टोटल मास जो आपका है। ये अगर आप देखोगे, तो एक क्वेश्चन आपका और एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जिससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, जितने तरीके के ऑप्शन सेट कर सकता है, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन अगर सेट करेगा, तो ये लिखेगा मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन अगर बी सेट करेगा, तो ये आपको लिखेगा मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, मास ऑफ फ्लूड टू द टोटल मास। समझ में आया क्या करने वाला है, उसी तरीके से, मतलब ये जो आपका टोटल मास आपको जो दिख रहा है, ये टोटल मास में आपको क्या है, एम वी प्लस एम एफ काउंट करेगा। तो इसका पहले आप आंसर बता दो, क्या होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्ट्रीम, बताइए क्या होगा। डेफिनेटली ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। कई लोग ये क्या इसको लेके कन्फ्यूज होते हैं, तो इसका कन्फ्यूजन दूर करने का मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है कि देखिए, ड्राई ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा सूखा होता है। अब ये वेपर सूखा है कि फ्लूड सूखा है, अब ये फ्लूड मतलब आपका क्या है, लिक्विड की बात हो रही है, मास ऑफ लिक्विड है वो, तो मास ऑफ अगर लिक्विड है तो ये सूखा नहीं है। वेपर क्या है, वेपोराइज फॉर्म रहता है, तो ड्राई फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आपसे बोल रहा है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो ऊपर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ वेपर को। ठीक है, अब इसको अगर जैसे डायग्राम से भी चलो एक बार देख लो और बाकी बात करते हैं। 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन 0.8 kg ड्राई स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा। अब ये बताओ, अगर आपका कोई 1 kg का स्टीम सैंपल लिया गया है और उसमें 0.1 kg ड्राई स्टीम है, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा, बी 0.8 होगा। ठीक है, तो ये सब देखो, यहाँ से क्वेश्चंस कितने तरीके से घुमा सकता है। देखो यहाँ पर मैंने बोर्ड में अगर आप देखोगे, तो कितने क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये मैंने लिखा है थर्ड क्वेश्चन, और ये मैंने लिखा है फोर्थ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से कम मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन बना के डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन से आप कैसा भी खेल लें, आपका आंसर चेंज नहीं होगा,
क्वेश्चन तो कितने तरीके से खेल सकता है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सब प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आए हुए कहीं ना कहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को चार बार घुमा के यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, तो ये कहानी आपको क्लियर है। अब देखिए एक बार ड्राइनेस फ्रैक्शन का, चलो इसका मैं आंसर बात कर लूँ तो क्या होगा, पहले आंसर देख लेते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम बोला हुआ है, तो इसका आंसर आपका होगा ये फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला आंसर बोल रहा है 0.8 kg ड्राई स्टीम है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा 0.8। थर्ड में बात करेंगे व्हाट इज एक्स ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर में एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइन। बात करते हैं अभी आगे, जस्ट अगर आप लोग बना रहे हैं तो एक बार आंसर देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट्स, आप बात करते हैं पहले तो ये दो क्वेश्चन को निपटाओ फिर उसमें हम लोग आते हैं। अगर आपको याद हो हमें तो जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन होता था वो कहाँ डिफाइन होता था, वेट रीजन के अंदर। ठीक है, वेट रीजन में जो हमारा एक्स वाला टर्म था, एक्स वाला टर्म इसी बीच में कहीं ना कहीं डिफाइन होता था। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग राइट साइड बढ़ रहे थे तो यहाँ आपको याद हो तो यहाँ मास ऑफ वेपर था और यहाँ अगर बात करेंगे तो मास ऑफ लिक्विड था। ठीक है, और यही दोनों को मिला के आपका टोटल मास क्या बना हुआ था, मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। अब क्या है, आपको जैसे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो यहाँ पर टोटली मास ऑफ लिक्विड था। तो अगर मैं एक्स को जैसे डिफाइन करना चाहता हूँ तो एक्स की वैल्यू हमारे लिए क्या निकल कर आई थी, जो एक्स था वो क्या था, मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, ये हमारा एक्स की वैल्यू डिफाइन होती है। ठीक है, दूसरा चीज ये जो मैंने लिखा हुआ है नीचे मास ऑफ लिक्विड, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं टोटल मास। ये अगर आपको याद हो तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल मास। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ वेपर पे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है पहला तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो बोल रहा है, एक केजी का आपको स्टीम सैंपल लिया गया है जिसमें आपको 0.8 kg ड्राई स्टीम मिला हुआ है। तो 0.8 kg ड्राई स्टीम मिला है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मास ऑफ वेपर पे डिपेंड कर रहा है जो आपका एक्स है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 0.8 kg आपका क्या है, ड्राई स्टीम है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8, क्योंकि मास ऑफ वेपर को ही तो डिफाइन कर रहा है ये जो आपका क्वांटिटी है क्या है, ये मास ऑफ वेपर है। अच्छा, यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या ट्विस्ट कर सकता है वो, कि अगर मान लीजिए 1 kg मेरा स्टीम सैंपल है तो उसमें जो 0.8 kg ड्राई स्टीम बोला है तो इस ड्राइनेस फ्रैक्शन जो बोल रहा है, ठीक है हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, अगर यहाँ पर बोल दिया कि 1 kg स्टीम सैंपल में अगर 0.2 kg मास ऑफ लिक्विड है, क्वेश्चन समझिएगा, 1 kg स्टीम सैंपल में अगर आपसे बोले कि ये मेरा सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 0.2 kg क्या है, मास ऑफ लिक्विड है, तो इस केस में आप x बोलेगा निकालने के लिए, तो x कैसे निकालोगे बताइए। अगर आपको ये बोलता है 0.2 kg मास ऑफ लिक्विड है तो हम x, हाउ वी कैन कैलकुलेट x, तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.2 kg मास ऑफ लिक्विड है तो मास ऑफ वेपर आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली अगर ये आपको दिया है तो मास ऑफ वेपर अगर देखोगे तो कितना मिलेगा, 0.8, यही तो होगा। तो यहाँ पर अगर आप x निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वेपर टू द टोटल मास, टोटल मास तो आपका 1 है और ये कितना है आपका 0.8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8, x की जो वैल्यू है कितना आएगा, 0.8। तो कहानी कुछ क्लियर है, समझ में आई चीज़ें जो बता रहे हैं, तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ से डिफाइन था। अब देखो क्या बोलता है अगला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, सब यहीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये आपका पॉइंट है। यहाँ से अगर आप बात करोगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन में देखोगे तो आपको मास ऑफ वेपर क्या है, यहाँ मास ऑफ वेपर तो है ही नहीं, तो मास ऑफ वेपर नहीं तो एक्स क्या मिल जाएगा, जीरो, तो एक्स की वैल्यू हो गई जीरो। एक्स की वैल्यू अगर बात करेंगे मास ऑफ वेपर पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ मास ऑफ लिक्विड है ही नहीं, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1। मतलब आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, जीरो से 1 की तरफ। दूसरा चीज यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्स है, तो ये x क्या है, जीरो के बराबर भी जा सकता है और 1 के बराबर भी जा सकता है। कहानी क्लियर है, तो यहाँ से पहला चीज़ तो मुझे एक चीज़ और समझ में आया था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया, वहाँ पूरा डिटेल में बात किया हूँ कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज x ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो ये चीज़ देख के तो आपको पहला चीज़ ये समझ में आ रहा होगा कि 2 तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है।
अब क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन आपको ये बोला है कि ये जो आपका कंडीशन है सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, तो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का मतलब कौन सा जोन हो गया? अगर आपको याद हो तो दिस इज द वेट रीजन, जहां पर लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मिलता था ना, तो इसमें आपसे पूछता है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब ये बताइए, अगर आपसे बोलता है कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो x की वैल्यू बोलते आप जीरो होती, सैचुरेटेड वेपर लाइन होता तो आप बोलते कि x की वैल्यू वन होती, लेकिन आपको इस जोन में क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर जोन में आपकी x की वैल्यू कितनी डिफाइन हो गई, तो ये आप x की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे डिफाइन होगा x की वैल्यू यहाँ पे? जीरो से वन के बीच में होगा ये तो तय बात है, लेकिन कितनी होगी कैसे पता चलेगा, कुछ तो पैरामीटर चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक ऑप्शन इसका कांट भी डिटरमाइन दिया हुआ था, और वही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कहानी समझ में आया, चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला हुआ है व्हाट डज द टर्म क्वालिटी इंडिकेट्स, क्वालिटी वाला जो टर्म्स है उसको जो है कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज, जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है ना कहीं वो क्वालिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमसे ये चीज पूछता है क्या कि जो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ क्या कहानी होने वाली है, तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ठीक है, यही ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको क्या टर्म्स रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और देखिए पूछा भी हुआ है क्वालिटी ऑफ स्टीम। तो क्वालिटी ऑफ स्टीम ऐसा क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या बताता है कि किसी भी स्टीम के अंदर आपका कितना वेपर है और कितना लिक्विड है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, क्वालिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपको क्वालिटी टर्म्स इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा मास फ्रैक्शन इन लिक्विड इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो क्या बता रहा है, मास फ्रैक्शन लिक्विड मतलब लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर कितना मास फ्रैक्शन लिक्विड का है, ये बता रहा है कि मास फ्रैक्शन इन वेपर इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाओ, और बोथ मतलब ये दोनों है, मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर एंड मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन अ लिक्विड वेपर मिक्सचर या नन ऑफ दिस। तो अगर आप इसमें डिफाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या, ये मास फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बता रहा है लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर, एक मास फ्रैक्शन ऑफ वेपर बता रहा है लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर। तो ये x है, तो x की अगर फिर से बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है, m ऑफ v डिवाइड बाई m ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड टू द मास ऑफ वेपर, यही तो डिफाइन हो रही है। कहानी को समझ में आया, चीजें क्लियर हुई? तो ये जो आपका x डिफाइन हुआ हुआ है, ये आपको क्या मिल रहा है, मास ऑफ वेपर मिला हुआ है डिवाइड बाई मास ऑफ लिक्विड टू द मास ऑफ वेपर। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो यहां से देखिए मास ऑफ वेपर डिफाइन है, तो इसका अगर आप आंसर लोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इसी तरीके क्वेश्चन देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन में आपको एक मिनट भी नहीं लगना है, एक मिनट तो दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको जो टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगेगा आपको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशियंट टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेपर, मतलब आपको क्या है वेपर के अंदर की प्रॉपर्टी निकालनी है। इस क्वेश्चन को लेके काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो कन्फ्यूज होते हैं, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को लेके बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो अभी तक हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है नॉट सफिशियंट, ठीक है, तो इसमें से हमें, और सेकंड चीज अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है, एक्स और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है, और इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना, और ऑप्शन चूज करने के बाद इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी आपका सफिशियंट नहीं है हम लोग को उसके बारे में बात करनी है। तो इस केस में अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मान लीजिए हमारे पास ये आपका TS डायग्राम है, ठीक है, TS डायग्राम मतलब जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, और इसमें आपको ये लाइन आपको याद है डोम है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहाँ तक तो कहानी सब क्लियर ही है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे इस जोन में कहीं ना कहीं क्या होता है, एक्स की वैल्यू डिफाइन होती है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट सफिशियंट। देखो एक चीज तो तय बात है कि अगर आप क्या है किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी जैसे क्वालिटी ऑफ स्टीम को अगर आप डिफाइन करते हो, तो केवल स्टीम को डिफाइन करने के लिए आपको कितने पैरामीटर की नीड होती है,
अगर मान लीजिए कि सपोज मेरा किसी कंटेनर के अंदर स्टीम है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए क्या बोला है, डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर बोला हुआ है, ठीक है, ये देखो आपको वेपर बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे वेपर के साथ, तो वेपर मतलब इसके पास क्या है, वेपर मतलब इसके पास है H2O, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आप गिब्स फिस रूल आइए, गिब्स फिस रूल क्या बोलता है, गिब्स फिस रूल हमें ये बताता है कि किसी भी मिक्सचर या जो भी चीज़ें आपके पास है, किसी कंटेनर में कोई गैस या मिक्सचर है, तो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए मुझे मिनिमम नंबर्स ऑफ कितने प्रॉपर्टीज नोन होने चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो इसका इक्वेशन क्या होता है, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, यही होता है। अब बात करोगे नंबर ऑफ फेस का, तो नंबर ऑफ फेस तो वन है, एफ आपका निकालना रहेगा, कंपोनेंट हमारे पास वन है और ये आपका एफ टू है। तो यहाँ से जब आप एफ कैलकुलेट करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, टू। इसका फिजिकल मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार जरूर गिब्स फेस रूल वाले वीडियो में जाइए और ये वाली चीज़ों को समझिए जो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ में जो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं उसका मेन रीज़न ये है, रट्टा मारने से देखो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ गया तो आपकी बार क्वेश्चन में कुछ उठा पटक करके ट्विस्ट करेगा, बहुत कम होगा कि एकदम उठा के जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दे। अब ये सुनिए, याद है हम लोग गिब्स फेस रूल के अंदर क्या पढ़े थे, बेसिकली गिब्स फेस रूल बता क्या रहा था कि अगर आपका किसी कंटेनर के अंदर कोई भी गैस या स्टीम या वेपर या इन लोग का मिक्सचर अगर है, तो उस केस में आप उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको नीड होगी, उसकी क्वालिटी को अगर आपको डिफाइन करना है या जो भी आगे की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। तो अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर आपका वेपर है, तो वेपर देखिए, वेपर आपने मन से नहीं लिया गया, क्वेश्चन में बोला है। तो अगर मैं ये वेपर की बात करूं, तो वेपर क्या है, वेपर मतलब आपका H2O हो गया। तो यहां पर मैंने गिब्स फेस रूल निकाला और देखा कि मेरा जो एफ आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना आ रहा है, टू। इसका ये मतलब है कि जो मुझे जो भी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होगी, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरा चीज ये दोनों प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, बोथ आर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। ये जो आपकी दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद आया इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। तो पहला तो ये चीज आप डिफाइन कर लो कि इसमें से जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इंटेंसिव होनी चाहिए, एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए। तो टेम्परेचर प्रेशर एक्स और स्पेसिफिक वॉल्यूम, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चारों की जो चारों प्रॉपर्टी दिया है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी दिया है, क्लियर है यहां तक। अब सुनिए, अब देखिए हम लोग इस पे आते हैं, नॉट सफिशियंट दिया हुआ है, मतलब किस प्रॉपर्टी को लेके हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो देखो ये आपकी जैसे लाइन है, जो लाइन, इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होता है और प्रेशर भी कॉन्स्टेंट होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि जैसे जैसे लाइन अगर मान लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, तो इसमें भी आपको क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं क्या होगा, अपनी डिपेंडेंसी को शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, तो जैसे आपने फर्स्ट लिखा हुआ है वन एंड थ्री का पोर्शन, दूसरा आपने वन एंड थ्री का मतलब टेम्परेचर एंड एक्स, ये बात कर रहा है फर्स्ट वाला जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परेचर एंड एक्स, ठीक है। अगर आपको ये चीज दिया हो तो आप डिफाइन कर लोगे टेम्परेचर एक्स के साथ, देखो एक्स आपका जो डिफाइन है, एक्स आपका इस जोन में कहीं भी डिफाइन है, तो एक्स और टेम्परेचर दिया रहेगा तो डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा ये। इस लाइन में अगर आपसे बोलता है कि इस वेपर का कंडीशन क्या है, तो अगर आपको एक्स ही दे दिया है और टेम्परेचर दे दिया, तो पता तो चल गया, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन है और यहाँ पर आपको एक्स भी नोन है, तो मतलब आप एक पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, तो डेफिनेटली आपको क्या है, स्टीम की प्रॉपर्टी, वेपर की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। दूसरा कंडीशन आओ, टू एंड थ्री का मतलब क्या है, प्रेशर एंड एक्स। अगर हम मैं बात करूं तो इस लाइन पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स था ना, तो यहां पर एक्स तो आपको ऑलरेडी बोल रहा है, तो अगर आपको एक्स पता है और आपको प्रेशर पता है, तो डेफिनेटली आप पॉइंट पे आ जाओगे, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है और यहाँ एक्स, तो ये दोनों बात करेंगे तो डेफिनेटली दोनों में हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हम लोग क्या है, बिल्कुल यहाँ पर वेपर की प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, थ्री एंड फोर, मतलब ये आपको बोल रहा है क्या, इस ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये बताइए ड्राइनेस फ्रैक्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम पे आते हैं, ये तो हमारा एक्स, तो नो डाउट एक्स तो हमें चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक्स हमें चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या बोलता है आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर बात करें, तो ये जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यहाँ पे बात करोगे तो लिक्विड होता है, यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, वेपर होता है। इस पॉइंट पे पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए ये डेटा आपको इनसफिशिएंट की तरफ चले जाएगा, क्यों,
क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे टेम्परेचर या प्रेशर अगर आपको पता हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो एक्स जो बोल रहा है एक्स के साथ आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि केवल स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है। अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ मान लो ये कंडीशन टेम्परेचर को लेके दिया रहता तो ये आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है और इसी लाइन पे आपको टेम्परेचर मिल जाता। ये लास्ट ऑप्शन देखिए क्या मिल रहा है, वन एंड फोर, वन एंड फोर का मतलब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, यही बोल रहा था मैं, ये आपसे बात कर रहा है। तो अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे टेम्परेचर पता है और इस पॉइंट पे कहीं भी आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता होगा तो देखो ये आपका वी ऑफ लिक्विड है, ये आपका वी ऑफ क्या है, वेपर है। तो लिक्विड और वेपर के बीच में अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप एक लाइन पकड़ लोगे, और अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है तो जिस पॉइंट पे पता होगा वो पकड़ लोगे, तो ये तो आपका डिफाइन हो गया। लेकिन इसके साथ क्या है, ये आपको एक्स बोल रहा है पता है और हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, तो अगर आप एक्स की बात करोगे तो ठीक है ये पता है, लेकिन वेपर का कंडीशन कैसे डिफाइन होगा यहाँ पर, ये आपका डेटा इनकम्प्लीट की तरफ गया हुआ है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, सी, मतलब नॉट सफिशियंट है। बाकी चीजों से आप क्या है, आप एक्स जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। दो प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने गिब्स फेस रूल अप्लाई किया है और यहाँ से हमको समझ में आया क्या कि एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी को शॉर्ट आउट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।